Multi-purpose indoor stadium by Jammu and Kashmir Sports Council, जिसकी inauguration के लिए आज हमारे बीच Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir श्री मनोज सिन्हा जी मौजूद हैं। सबसे पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ श्री इरफान पंडित पोरी जी फॉर प्रेजेंटिंग अ बुके एंड अ शॉल टू आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी। वाइस चेयरमैन हाजी फारूक साहब, बीटीसी चेयरमैन जनाब सुलेमान साहब, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा जनाब अब्दुल मजीद साहब और उमर अजहर साहब की वो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के लिए स्टेज पर लेकर आए। तरफ से हमारे माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार होनी चाहिए हमारे खूबसूरत आवाज। और इसके बाद गुजारिश करते हैं मैडम से कि बाकी अधूरी जी श्री मेहनत शेखा जी रणजीत, थैंक यू सो मच मैम। एंड यूटी केपेक्स प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹437.68 lakhs। Third project is construction of earth science block at Government Degree College, Sogam, Kupwara. GHSS Model Higher Secondary School, Hanwara. Of Kanda. Six projects. बंगस वैली जहाँ कुछ साल पहले तक लोग करने में भी कुपवाड़ा की बड़ी अहम भूमिका रही है और कुपवाड़ा अमन और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने का काम कुपवाड़ा कर रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की आवाम भी कर रही है। आज एक 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बना है यहाँ के नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ जो हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है हर दिन खेल सबके लिए खेल, उसमें इसका अहम योगदान होगा। आसपास के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का इसके कारण पर्याप्त अवसर मिलेगा। वाटर टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान दिया जा रहा है और कस के ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू।